की फिल्म इंडस्ट्री जहां बहुत तरक्की कर रही है, बड़ी बड़ी फिल्में ला रही है हमारे लिए, तो एक और बड़ी फिल्म का जो ट्रेलर है हमारे सामने आया है। जी हाँ, सईरा नरसिम्हा रेड्डी का ट्रेलर रिसेंटली हमारे सामने आ चुका है। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन पहली बार साउथ की फिल्म में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की खास बात यह भी है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ साथ बाकी की स्टार कास्ट भी काफी जबरदस्त ली गई है। जी हाँ, चिरंजीवी जो कि ऑलरेडी साउथ की सुपरहिट फिल्मों के एक्स फैक्टर हैं, वो भी हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ हमें नजर आने वाले हैं इस फिल्म में सुदीप किच्चा, रवि किशन, तमन्ना और नयनतारा जैसे कई सितारे। इस मल्टी स्टारर फिल्म के ट्रेलर को जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है भारत माता की जय से। हमें सुनने को मिलता है अमिताभ बच्चन की वॉइस में वॉइस ओवर। जी हाँ, उनकी आवाज से इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है, तो आगे देखने को तो अपने आप ही मन करता है। इस फिल्म का जो बजट है, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने से ही पता चलता है कि काफी बड़े लेवल पर इस फिल्म को बनाया गया है। ये फिल्म बनी है 270 करोड़ रुपए के बजट में। इसके अलावा अगर हम स्टारकास्ट की भी बात करें तो स्टारकास्ट भी काफी जबरदस्त है और ट्रेलर में भी सबको इक्वली जस्टिफाई किया गया है, यानी इक्वल स्क्रीन शेयर स्क्रीन स्पेस दिया गया है सब स्टारकास्ट को। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो सुरेंद्र रेड्डी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस कर रहे हैं रामचरण। इस फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो रियलिटी बेस्ड इवेंट पर बनी हुई है ये मूवी। जी हाँ, नरसिम्हा रेड्डी की बात करें तो नरसिम्हा रेड्डी फ्रीडम फाइटर्स में से एक रहे हैं जिनके बारे में हमने अपनी हिस्ट्री की किताबों में नहीं पढ़ा। जी हाँ, रामचरण और चिरंजीवी का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन फ्रीडम फाइटर्स पर फिल्म बना रहे हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, हिस्ट्री में हमें इतना बताया नहीं गया है, लेकिन फिल्म के जरिए हम उनके बारे में जान सकते हैं। इस फिल्म का बजट और स्टार कास्ट भी इसीलिए शायद बड़ा रखा गया है ताकि उनके बारे में जो बहुत सारे लोग हैं जान सके, क्योंकि इससे पहले हमें भी नहीं पता था कि नरसिम्हा रेड्डी कौन है। हमें उम्मीद है फिल्म को देखने से हमें उनके बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फाइट की, और हमें ये भी पता चलेगा कि जिन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके अलावा भी कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे और कितनी ज्यादा मुश्किल से हमें ये जो आज आजादी मिली है वो हम ले पाए हैं। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की खास बात की तो इस फिल्म में जहां अमिताभ बच्चन पहली बार साउथ की फिल्म में काम करने जा रहे हैं, वहीं इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। जी हाँ, इस फिल्म के रिकॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स हैं अब तक की सबसे महंगे राइट्स बन चुके हैं। जी हाँ, इससे पहले सुपरस्टार रजनीकांत और खिलाड़ी कुमार स्टारर मूवी रोबोट 2.0 को ये खिताब हासिल था। उनके जो राइट्स थे, सैटेलाइट राइट्स थे, 110 करोड़ में बिके थे, लेकिन अब जी नेटवर्क को सईरा फिल्म के जो राइट्स हैं वो 125 करोड़ में बेचे गए हैं। अगर हम बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। जी हाँ, यानी हमें जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा वॉर फिल्म में और इस फिल्म में। सईरा फिल्म की बात करें तो सईरा फिल्म जो है जबरदस्त टक्कर दे सकती है वॉर फिल्म को, और अगर हम वॉर फिल्म की बात करें तो उसका क्रेज भी ऑडियंस में बहुत ज्यादा बना हुआ है क्योंकि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सईरा नरसिम्हा रेड्डी फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन पहली बार साउथ की फिल्म में नजर आने वाले हैं। बड़ी फिल्म है, अच्छा कंसेप्ट है, चिरंजीवी है, अच्छी स्टार कास्ट है, तो हमें उम्मीद है कि इन दोनों फिल्मों में जबरदस्त टक्कर होने वाली है, लेकिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कौन सी फिल्म करती है ये तो 2 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा।